हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और आप आए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद करण में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में चयन किस चयन होने के लिए, यानी ये कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है कि जिससे कि अंत में आपको जाकर रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिल सकती है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा चयन की प्रक्रिया, यानी ये कि रेलवे ग्रुप डी का चयन की प्रक्रिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चयन की प्रक्रिया जो है, आपको रेलवे ग्रुप डी में चयन की प्रक्रिया का 5 चरण होते हैं। पांच मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके द्वारा आपको गुजर करके रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिल सकती है। अब इसमें से मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वो प्रक्रिया है। सबसे पहला है कि CBT। ठीक है, आप देख सकते हैं कि CBT का मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस परिस्थितियों में आप जो है पहले, जैसे मान लीजिए कि अगर रेलवे का कोई फॉर्म निकलता है या फिर किसी भी अदरवाइज अगर कोई किसी का भी वैकेंसी का अगर फॉर्म निकलता है तो आप उसको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक, जब फिलअप करते हैं तो उसका एडमिट कार्ड जारी होता है। जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो निश्चित है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो उसी एग्ज़ाम में रेलवे का अगर ग्रुप डी का अगर कोई वैकेंसी अगर मान लीजिए आता है, उसको फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो उसके एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है CBT में। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, यानी कि कंप्यूटर में ही आपको बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक मार करके आना पड़ता है। तो ये हो गया पहला कि CBT आपको फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ग्रुप डी का पहला चरण यानी कि पहला से ही आपको जो है CBT है। अब दूसरा जो सीढ़ी है, जब पहला सीढ़ी अगर पार करते हैं चढ़ते हैं ऊपर की ओर, यानी ये कि अगर CBT पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको सेकेंड स्टेप देना पड़ता है PET। PET का मतलब कि फिजिकल एग्जाम टेस्ट, यानी ये कि जिसमें दौड़ वगैरह सब है। ठीक है, आप इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंड सीढ़ी जो है, अगर ये आप पास करते हैं तब आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, जिसमें आपको बुलाया जाएगा कि आप आइए और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक, ये तीसरा चरण होता है यानी कि तीसरा सीढ़ी। उसके बाद चौथा जो है आपको वो चिकित्सा जाँच है। चिकित्सा जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद जो है आपको फाइनल जो है आपको मेरिट लिस्ट बनता है। ये पांचवा सीढ़ी है। इस सीढ़ी के बाद जब मेरिट लिस्ट आपका बन के रेडी होता है तब जाकर के आपको ग्रुप डी में नौकरी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर माना जाए तो ये आपको है, अगर मैं ये सब पास भी कर जाऊँ और मेरिट में अगर मैं सबसे नीचे रहूँ तो उसमें थोड़ा सा संभावना ये बनता है कि कौन लड़का का, मतलब ये है कि CBT और आपको फिजिकल एग्जाम टेस्ट, ये दोनों का जो मार्क्स है दोनों अगर कंबाइंड होता है, यानी इसमें हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है ताकि मेरा मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर और टॉप पर रहे, ताकि हमको जितना जल्द हो सके उतना जल्द हमें वो ग्रुप डी की नौकरी हमें मिल सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं CBT की। ठीक है, कि आप देख सकते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट। तो इसके लिए जो है आपको मैं बता दूं कि CBT में आपको क्वेश्चन जो है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है आपको CBT में टोटल क्वेश्चन जो है TU यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको मैं बता दूं कि इसमें से आपको जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ से 25 क्वेश्चन, उसके बाद GK का है या फिर करेंट अफेयर्स से भी 25 क्वेश्चन, GK प्लस करेंट अफेयर्स, उसके बाद आपके आते हैं रीजनिंग जो है आपको 30 नंबर के होते हैं। अगर टोटल अगर हम जोड़ दें तो 25 या 75 और 30 ये आपको जो है 20 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपको 20 नंबर का होता है, यानी कि GK हो या करेंट आपको ये 20 नंबर का ही देगा। इसको अगर हम टोटल जोड़ दें तो ये टोटल मेरा 100 नंबर का होगा।
अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ मतलब ये कि कुछ आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए सीबीटी का एग्ज़ाम निकालने के लिए, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालने के लिए कितने कितने मार्क्स चाहिए। मान लीजिए जैसे कि ये जनरल साइंस है, बहुत सारे लोगों को साइंस कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, कुछ लोग नहीं क्वालिफाई करते, लेकिन इतना है कि जनरल साइंस जो है आपको वो, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कहां कहां से कौन सा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आते हैं। तो खैर ये मैं आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चन में से जनरल साइंस अगर हम कह दें तो लगभग 15 नंबर, ये हो गया 15 मार्क्स जो है आपको, 25 में 15 मार्क्स कंफर्म है कि आपको 10 नंबर तो उसमें कम से कम याद रहेंगे, लेकिन 15 मार्क्स कम से कम मान के चलिए कि साइंस में आप 15 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैथ करें तो मैथ अगर रेगुलरली अगर आप पढ़ते हैं तो ये जानिए कि मैथ 25 में आप 20 को तो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जीके की अगर हम बात करें तो करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स में जो है आपको ये मान लीजिए कि कम से कम 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग है, रीजनिंग में 30 नंबर है, ये रीजनिंग सबसे इजी होता है हर लोगों को, अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तब भी काम चल जाता है कि वो रीजनिंग पढ़ करके सॉल्व कर लेता है। तो इसमें से मान लीजिए 25 नंबर इसमें आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 25, 10, 35, 35 और 20, 55, 55 और 15, 70, ये आपको टोटल 70 नंबर है। 70 ये जो आपको देख रहे हैं कि ये 70 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक लड़के को क्वालिफाई होने के लिए बहुत ही अच्छा मार्क्स है। अगर ये आपको 70 मार्क्स दे रहा है तो वो उस दिन के एग्ज़ाम के अनुसार जब इसका परसेंटेज निकलता है तो उसके अनुसार आपको घट बढ़ भी सकता है। यानी ये हमारा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा 70 मार्क्स आता है तो उसमें जब निगेटिव वगैरह सब काटा जाता है, हटाया जाता है, तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें 5% या 10% इसमें और इंक्रीज कर देगा उस दिन के एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। तो ये 70 नंबर आपके लिए बहुत ही खास होगा और आपको फर्स्ट जो है सीबीटी पास कराने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप PET, यानी ये कि आपको फिजिकल एग्ज़ाम टेस्ट। फिजिकल एग्ज़ाम टेस्ट में जो है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है इसमें कि दौड़, ठीक है। अगर इसमें जो दौड़ है, दौड़ में आपको मैं बता दूं कि 1000 मीटर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, इसका टाइमिंग जो दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है वो आपको 4 मिनट और 15 सेकेंड, 4 मिनट और 15 सेकेंड आपको दिया गया है। लेकिन ये किसके लिए है, ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। अब महिलाओं के लिए जो दौड़ है ना, वो आपको मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो आपको है तो 1000 मीटर, 1000 मीटर है, लेकिन टाइमिंग समय जो है आपको 5 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाता है किनके लिए, तो जो महिला लोग हैं, जो महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट जिसको कहा जाता है, तो वो उन लोगों के लिए है कि उन लोगों को आपको जो दौड़ है वो आपको 1000 मीटर रहेगी, लेकिन टाइमिंग जो है बस पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 5 मिनट 40 सेकेंड में इन लोगों को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको 100 मीटर का एक और दौड़ होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं वजन दौड़ में जो है आपको वजन लेने के लिए कहा जाएगा। अगर पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपको 35 किलो का वजन लेना पड़ जाएगा, 35 केजी का वजन ले करके आपको जो है 100 मीटर लेकर के दौड़ना है। वो भी आपको सही समय पर, सही समय जो है, समय जो इसका जो दिया गया है वो सिर्फ 2 मिनट दिया गया है,
2 मिनट, यानी ये कि मेल कैंडिडेट को 35 किलो का वजन 100 मीटर तक दौड़ना है, वो भी आपको 2 मिनट में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इस जो वजन आप अपने कंधे पर लीजिए या कहीं भी लेकर के दौड़िए, लेकिन आपको उसको ज़मीन पर नहीं रखना है। अगर आप ज़मीन पर रख देते हैं तो ये जानिए कि उसी समय आप डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा फिजिकल टेस्ट में। तो आपको 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर तक की दूरी 2 मिनट में, दूरी 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी है, वो भी आपको बिना आप कहीं भी वजन को रखे ज़मीन पर, ठीक है। अब महिलाओं के लिए जो समय है, महिलाओं के लिए 20 केजी का वजन दिया गया है, उन लोगों के लिए भी 100 मीटर का ही है। और समय जो है आपको, समय सिर्फ दो मिनट, 2 मिनट के अंतराल में 20 केजी का वजन लेकर के फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर दौड़ना है। इनके लिए भी वही फंडामेंटल अपनाया जाता है जो आपको कि कहीं भी अगर 20 केजी का लेकर के जाएंगी वो कहीं भी उस वजन को ज़मीन पर नहीं रखेंगी, बस जहां टारगेट कंप्लीट होता है वहां पर इनको वजन को उतारना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपको पीईटी का यानी कि फिजिकल एग्जाम टेस्ट, ठीक है। तो ये जब ये आप सेकेंड स्टेप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको थर्ड, मतलब ये कि दूसरा सीढ़ी पार कर गए, पहला सीढ़ी पार कर गए, दूसरा सीढ़ी पार कर गए, तीसरा में आप आ गए दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन का मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सिर्फ क्या करेगा कि आपसे मांगा जाएगा मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा, तो मान लीजिए अगर SC हैं या फिर ST हैं या फिर आप OBC हैं या फिर कहिए तो जनरल कैटेगरी से आप EWS से जुड़े, अगर कोई रिलेटेड, अगर मान लीजिए आपके पास अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा आपसे जो है आपको ये क्या कहा जाता है इसको कि एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा। ये 3 चीज़ हो गया। इसके अलावा जो और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एडमिट कार्ड, ये CBT 1 का, उसके बाद ये आपको जब आप जाइएगा एग्जाम, ये फिजिकल टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके लिए भी एक आपको उसमें मिलता है, ठीक है, वो मान के चलिए वो भी एक तरह का एडमिट कार्ड ही है। तो वो आपको लेकर के आपको सब कुछ सत्यापन के समय मांगा जाएगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास भी नहीं रहा तो आपको उसी समय छाट दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, ठीक है। उसके जब आप ये तीसरा चरण पार कर जाते हैं तो अब आते हैं चिकित्सा जाँच यानी कि मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल जाँच में जो है आपको इसमें है आपको आपके पूरे शरीर की जांच किया जाता है, कोई इस तरीके का बीमारी ना हो, जैसे कि आपको शुगर का पेशेंट ना हो, या फिर आपको कहा जाए तो मतलब ऐसा कि जो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप उनको बताए नहीं कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये आप विकलांग कोटा से, मतलब कैटेगरी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये कि अगर विकलांग कैटेगरी में हैं और उसमें आपने मान लीजिए अगर आप 40% ही विकलांग है, उसमें आप दर्शा दिए कि नहीं मैं 90% अगर विकलांग हूँ, तब भी आपको याद रखिएगा कि मेडिकल टेस्ट में जो है आपको उस तरीके से जब पता चलेगा तो उसी समय आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, आपको उसी समय छाड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपने 40% आपका मेडिकल रिपोर्ट जो है 40% दर्शाता है कि नहीं आप विकलांग जो है 40% है, लेकिन आपने 90% का ही दर्शाया है कि नहीं मैं 90% विकलांग हूँ, ये होता है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि मेडिकल जाँच जो है हमेशा आपको सरकारी रेलवे के द्वारा ही होता है, सरकारी रेलवे के ही द्वारा होता है। यानी ये कि जो मेडिकल जो होता है आपको टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होगा आपको वहाँ पर, नहीं तो नहीं रेलवे का सरकारी का आपको हॉस्पिटल होगा, उसी में ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपके शरीर का चाहे शरीर हर अंग का आपको वहाँ पर मेडिकल जाँच होता है।
आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि शुगर पेशेंट हो गया या फिर कहे तो जैसे मतलब कुछ ऐसा चीज़ कि जिससे कि आपको आगे चल करके लगे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये मेडिकल जांच मतलब होता है। ठीक है, तो जांच जब क्लियर हो जाएगा, जब आप फिट रहिएगा, तब आपको समझ जाइए कि आपको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोकेगा। आप जब फिट रहिएगा तो आप जैसे ही आप फिट होने का अगर दावा कर देता है, मेडिकल टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है, तब जा करके आपको मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो मैं मेरिट लिस्ट बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरिट लिस्ट में टोटल क्वेश्चन हो गया आपको कितना, तो 100 क्वेश्चन। ठीक, अटेम कितना किए, तो मान लीजिए आपने 80 अटेम किए। ठीक, उसके बाद जो है ट्रू है तो मान लीजिए 71 है। ठीक, अब फाल्स हुआ आपको 9, नेगेटिव जो है वो आपको 9/3। ठीक है, यानी आपको ये कितना हुआ 3, ये 3 हो गया आपको यानी काटने पर। तो अब इसमें से आपको टोटल मार्क्स कितना आया, तो ये आपको 71 दिया गया है, माइनस 3 कर देने पर 68, ये आपका मार्क्स आया। अब कहता है परसेंटेज कितना आया आपका, कि भाई हमने तो 68 लाया है लेकिन परसेंटेज कितना आया, तो परसेंटेज होता है आपको मार्क्स बटा में TQ इंटू 100, ये होता है मार्क्स। आपका मार्क्स कितना है 68, टोटल मार्क्स 100 का है इंटू 100, इसको काट दीजिए, 68% मार्क्स होता है। तो इसी मार्क्स के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें आपको ये आपको मेरिट लिस्ट बनेगा कि आपको कितना आपको हम मतलब ये कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और आपका कितना मतलब जितना आप फाल्स अगर कम करेंगे तो उतना ही आपको बढ़िया रहता है। और जितना आप अटेम्प्ट, मैंने आपको अब बताया भी था कि लगभग 70 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम आपको माइनस मार्किंग जो है कम अटेम्प्ट कीजिए। यानी ये कि अगर हम कह दें तो 70 को लाने के लिए कम से कम 80 या 82 के आसपास आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कम माइनस को ही अटेम्प्ट कीजिए। उससे आपको ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन जो है मतलब आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं, और मेरिट लिस्ट में जो है आप जितना मान लीजिए कि जैसे वैकेंसी 1,00,000 के आसपास है या फिर 10,000 के आसपास है या फिर 35,000 के आसपास है, तो उसी वैकेंसी के अंदर में आपका मेरिट आ सके। तो हम आपको बता चुके हैं कि आप इतना लाइए कि आप मेरिट लिस्ट में अच्छा खासे पोजीशन पर और टॉप पर ही रहें, ताकि आपका जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द आपको हो सके। ठीक है, तो ये जो आप जो देख रहे हैं इस चयन की प्रक्रिया है कि कहाँ से आप सीबीटी से स्टार्ट करते हैं पहला, दूसरा आपको फिजिकल एग्जाम टेस्ट है, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चौथा मेडिकल टेस्ट है, उसके बाद अंत में मेरिट लिस्ट बनेगा। इन सब प्रक्रिया को पास करने के बाद आप रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेने का हकदार होते हैं। तो ये चीज़ जान जाइए कि जब ये आप जो देख रहे हैं इसको इतना सारा आप पूरा कंप्लीट कीजिए, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है कि आप बढ़िया से मतलब आपको डेली प्रतिदिन एक नहीं बल्कि 2-3 सेट आप प्रतिदिन मारिए, ताकि सेट मारने से आपको जो है साइंस का भी पकड़ हो जाएगा। मैथ में जो है आपको कम से कम इतना मायाथी करना है कि उसको बार बार रिवीजन करने से, यानी एक टाइमिंग को पकड़ना है। 100 क्वेश्चन में 90 मिनट का समय दिया गया है, जो बड़े बड़े जो जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं लेंदी क्वेश्चन जिसको कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है, यानी ये कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा समय खाए, तो उनसे आपको बचना है। ज़्यादा समय जिस पर अगर लगे कि नहीं
ये 5 मिनट समय खा जाएगा तो उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो पता चला कि 5 मिनट उसी में समय दीजिएगा जिससे कि 4 क्वेश्चन आपको छूट जाएगा और बाद में परेशानी आपको ही होगी और आपको जॉब मिलने से छूट जाइएगा। तो आपको ये करना है कि जो लेंदी क्वेश्चन है उसको उसी समय छोड़ देना है, अगले क्वेश्चन को देखना है, उसको बाद में आप अटेम्प्ट करके देख ले अगर आपके पास समय बचता है तो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी मतलब किताब वगैरह है जिसमें कि बहुत सारे कुछ गलतियां भी रहती है, तो उन सब किताबों से भी दूर रहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, ठीक है। तो चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।